शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो खूबसूरत और शाइनी बाल पाने के बारे में ना सोचती हो। चेहरे के साथ साथ हमारे बाल भी हमारी खूबसूरती बढ़ाते हैं। प्रदूषण से हमारे बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ बालों में अच्छा शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई करने से ये ठीक नहीं होते हैं, लेकिन रोज पार्लर जाना या महंगे हेयर ट्रीटमेंट लेना मुमकिन नहीं है। अब आप आसानी से घर पर ही हेयर स्पा कर सकती हैं। स्पा ट्रीटमेंट के 5 स्टेप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले ऑयलिंग करते हैं, फिर ऑयल से मसाज, स्ट्रीमिंग, ऑयल बालों को मॉइल्ड शैम्पू से धोना और फिर हेयर मास्क का इस्तेमाल करना। अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से आप इसे चुन सकते हैं। अपने बालों में कोई पोषण देने वाला तेल ज़्यादा लगाएं और मसाज करें ताकि बालों की जड़ें मजबूत बने और रूखापन खत्म हो जाए। आप चाहें तो 2-3 तरह के ऑयल मिक्स कर सकती हैं। तेल को पहले थोड़ा गर्म कर लें, हाथों से 15-20 मिनट तक सिर की मसाज करें। आप चाहें तो हाथ के बजाय वाइब्रेटिंग मसाज ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। पार्लर में स्टीमिंग के लिए स्टीमर होता है। घर पर ऐसा करने के लिए पहले एक तौलिए को गर्म पानी में डुबो लें, फिर इसे अच्छी तरह से निचोड़ कर पानी निकाल लें। इसके तुरंत बाद अपने बालों को इस गर्म तौलिए में लपेट लें और 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें। ऐसा आप 2 बार करें। अब सबसे आसान स्टेप है अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धोना। आपके बाल इससे पहले हीट से गुजर चुके होते हैं, इसलिए इनके टूटने की गुंजाइश होती है। हेयर मास्क आप चाहें तो घर पर बना सकती हैं या मार्केट से खरीद सकती हैं। आपको केमिकल बेस्ड हेयर मास्क यूज़ नहीं करना है तो आप होममेड मास्क का इस्तेमाल करें। बालों का गिरना हो, डैंड्रफ की समस्या हो या बालों को कलर्ड करना हो, इसके लिए पार्लर इनके हिसाब से आपको अलग अलग हेयर मास्क मिल जाएंगे। लेकिन इस हेयर मास्क को 20 मिनट तक लगा कर रखें और फिर पानी से धो लें। बाल को धोते समय किसी भी तरह के शैम्पू या केमिकल का इस्तेमाल ना करें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।